हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब बच्चे? साइंस में बहुत कुछ सीखते हैं अबाउट देयर सराउंडिंग्स, नेबरहुड, द वर्ल्ड इन विच दे लिव। बहुत कुछ सीखते हैं, बट साइंस को चैलेंजिंग बनाना है तो आपको क्या करना होगा? से लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे समझते हैं। देन अगर आप उनको नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स भी समझाएंगे तो भी समझेंगे, बट चैलेंजिंग क्वेश्चन वो होगा जब आप उनसे पूछेंगे नेम अ नॉन लिविंग थिंग विच इज नेचुरली मेड, विच इज अ नेचुरल थिंग अदरवाइज। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा चैलेंज फेस करेंगे। तो साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फन एंड चैलेंजिंग साइंस या ईवीएस रिलेटेड क्वेश्चंस जो बच्चे ओलंपियाड में फेस करते हैं। बेसिकली मैंने इस बुक से कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं सो दैट आप अपने वीकेंड एक्टिविटी में उनको इंक्लूड करें। मैंने मैथ और इंग्लिश ओलंपियाड रिलेटेड क्वेश्चंस बुक्स आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज देखेंगे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस और साइंस रिलेटेड वर्कबुक या ओलंपियाड बुक जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स देन फॉर एनिमल्स इन ऑर्डर टू लिव। ये 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 ओलंपियाड में। सो इसका आंसर क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट्स को जरूरी है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स से ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए? सो प्लेस टू लिव तो दोनों को भी चाहिए, एयर फॉर ब्रीथिंग दोनों को भी चाहिए, पानी दोनों को भी चाहिए, सनलाइट। बट प्लांट्स को सनलाइट बहुत जरूरी है क्योंकि सनलाइट से ही वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट? सो सनलाइट इज द आंसर हियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टर ऑफ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अक्सर बच्चे हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से बोल देते हैं, बट जब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम लेंगे आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे है रिलेटेड टू क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, इन दोनों में कॉमन कैरेक्टर क्या है? सो ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया था। दे हैव वीक स्टेम, यस दोनों के पास वीक स्टेम होता है, दिस इज द कॉमन कैरेक्टर, बट बाकी ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, नो क्रीपर ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, क्लाइंबर नहीं। सो ये कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों में। दे ग्रो बाई कॉइलिंग अराउंड द सपोर्ट, सपोर्ट से वो कॉइल करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, ये क्लाइंबर का पॉइंट है, क्रीपर इस तरह से नहीं ग्रो करता। देन दे बेयर लार्ज फ्लावर्स, ये जरूरी नहीं है कि दोनों के पास लार्ज फ्लावर्स है, बट क्लियर कट आंसर यहाँ पे दे हैव वीक स्टेम, सो ए इज द आंसर हियर। सो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ता है। रेगुलर डायरेक्ट क्वेश्चन पे बहुत सारे आते हैं ओलंपियाड में, जैसे कि सी सेलेक्ट द प्लांट विच इज ऑड वन आउट फ्रॉम द ग्रुप, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ प्लांट, राइट? तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं और कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी, उससे पहले बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने इस बुक से पिक किए सो दैट मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो ये है ओसवाल बुक्स की ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड क्लास वन बुक। मेरी बेटी साइंस ओलंपियाड लिख रही है, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए ये स्पेयर बुक है मेरे पास सो दैट शी कैन प्रिपेयर। बहुत अच्छी बुक है ये सारी चैप्टर्स इसमें कवर की गई है। आपके बच्चे कोई भी ओलंपियाड लिख रहे हैं आप इस बुक के थ्रू उनको प्रिपेयर करवा सकते हैं। और इसमें अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे। आपका बच्चा कोई भी बोर्ड में हो, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, सबके लिए सूटेबल है। सो अगर आपका बच्चा ओलंपियाड नहीं भी लिख रहा है तो भी आप एज अ वीकेंड एक्टिविटी बुक फॉर साइंस या ईवीएस इस बुक को चूज कर सकते हैं। सी इसमें जितने भी चैप्टर्स है ना उसके रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड रिव्यू करने के लिए आपको नोट्स मिलेगी सो दैट आप बहुत अच्छी तरह से और उनको एक्सप्लेन कर पाए। साथ ही लेवल वन क्वेश्चंस होंगे जो बच्चे फेस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट वाले लेवल टू क्वेश्चंस होंगे, देन यू हैव अचीवर सेक्शन। पता है आपको अचीवर सेक्शन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है ओलंपियाड में, और इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो ये थोड़ी ट्रिकी भी होते हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और जब आप पढ़ा रहे हैं अगर आप खुद नहीं जानते किसी क्वेश्चन का आंसर तो आपको विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस इन द एंड ऑफ द चैप्टर मिल जाएंगे। जब आप पढ़ा रहे हैं ना इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हैं, यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते, आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चे को समझा सकते हैं
वाइल टीचिंग द सब्जेक्ट. जैसे कि एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, एंट्स आर लिविंग क्रीचर्स विच नेवर स्लीप. मुझे ये नहीं पता था, इस बुक के थ्रू ही मुझे पता चला. इस तरह से कुछ और फन ट्रिविया नोट्स हियर. इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि डिड यू नो द लाइट एमिटेड बाय द सन टेक्स 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ. तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आप उनको बता सकते हैं. इस बुक में फ्रॉम द ईयर 2011 ओलंपियाड क्वेश्चंस कवर की गई है. साथ ही एंड में आपको दो सैंपल पेपर भी मिलेंगे फॉर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, और इवन सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन हियर. सो ये ओसवाल बुक फॉर ऑल ओलंपियाड साइंस क्लास 1. चलिए देखते हैं फ्यू मोर क्वेश्चंस, सम इंटरेस्टिंग एंड फन क्वेश्चंस दैट आर asked in science olympiad. यहाँ पे है एक क्वेश्चन रिलेटेड टू एनिमल चैप्टर. बेबी ऑफ अ लायन इज नोन एज कब. द बेबीज ऑफ विच टू अदर एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज कब. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम ईयर 2015 और इसका आंसर है बेयर एंड हाइना. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू द चैप्टर आर नीड बेसिक नीड्स एयर वाटर एंड फूड. एयर मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. This helps us to dash, breathe, dry clothes, sail boats, या फिर fly kites. The answer is C here, sail boats. And this is the question from 2013 paper. ये बहुत सारे questions आप इन book के through बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको reason दे सकते हैं कि उसका answer क्यों है, क्योंकि इसमें solutions दिए गए हैं with explanation. ये ओसवाल books की तरफ से है, science book. ओलंपियाड के लिए ओलंपियाड नहीं भी लिखा रहे हैं तो एज अ वर्क बुक वीकेंड एक्टिविटी बुक आप इसको यूज कर सकते हैं. ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर चेक करें. कुछ बच्चों को साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके लिए तो ये बुक बहुत सुटेबल रहेगी, क्योंकि सारे जो चैप्टर्स हैं क्लास वन के सभी इसमें कवर किए गए हैं. इसी तरह से क्लास टू, क्लास थ्री, सभी क्लासेस के लिए ये बुक ओसवाल बुक अवेलेबल है फॉर साइंस ओलंपियाड. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़.